हाय एवरीवन, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपनी हैंडमेड पेंटिंग दिखाऊंगी जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो बारी बारी सारी अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन को मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो मेरे पास पेंटिंग है वो मैंने एक ग्रीस आर्ट बनाया है। मैंने बेसिकली ग्रीस कंट्री दिखाई है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सा किया है। ये देखिए आप। नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो बिल्कुल दो सेपरेट कैनवासेस पर मैंने बनाई है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक मैंने लैंडस्केप बनाया है और पीछे मैंने मून दिखाया है और इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। थर्ड पे मैंने इस तरह दिखाया है कि जो थोड़ा सा मैंने ओल्ड कल्चर दिखाने की कोशिश की है एंड इट इज़ अ बिट एब्स्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद मैंने एक न्यू पेंटिंग बनाई है, ये बिल्कुल न्यूयॉर्क पेंटिंग बनाई है मैंने, बिल्कुल एक सिटी पेंटिंग। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट टच है और ये सारी मैंने चीज़ें एक्रेलिक पेंट से बनाया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पेंटिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कैलीग्राफी भी की है, मैंने ऊपर लिव इन द मोमेंट लिखा है बेसिकली, ताकि थोड़ा सा जो है एक न्यू टच आए। और ये बेसिकली मैंने ये एक लैंडस्केप से नेचर से दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पेंटिंग है, लास्ट तो नहीं बल्कि सेकंड लास्ट, वो है हमारे पास एक मुगल आर्ट्स। और फिर इसके बाद ये वाली लास्ट पेंटिंग है, ये भी मैंने बिल्कुल एक कल्चर दिखाने की कोशिश की है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का कल्चर मैंने इसके अंदर दिखाने की कोशिश किया है। सो या दैट्स इट। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया। ये मैंने सबसे पहले यहाँ एक पेंटिंग लगाई है अपनी, न्यूयॉर्क वाली मैंने यहाँ लगाई है और ये देखने में ऐसी लगती है। सेकंड मैंने ये वाली पेंटिंग यहाँ लगाई है जो ग्रीस वाली थी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने लाउंज में अपने लगाया है और ये पेंटिंग मैंने अपने रूम में लगाई है, मुझे ऐसा लग रहा था ये रूम में ज़्यादा बेटर लगेगी। फिर इसके बाद मैंने ये वाली भी रूम में लगाई है और इसी के साथ ये भी बिल्कुल मैंने रूम में लगाई है। यस, तो आपको इसमें से जो भी पेंटिंग पसंद आई है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।